मुंबई आईपीएल के अपने शुरुआती तीन मैच हार गई है। मुंबई की बॉलिंग अब तक पूरी तरह से फ्लॉप रही है। अब आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं। कल जब पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ से इस बारे में एक सवाल पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए कुछ कर सकते हैं, तो कैफ ने इसके जवाब में कहा कि यह मुश्किल लग रहा है। रोहित भले ही एक विनिंग कैप्टन है, पर इस बार मुंबई इंडियंस के पास अच्छे खिलाड़ी नहीं है। ऐसे में एक कप्तान कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिना खिलाड़ियों के वह कुछ नहीं कर सकता। कैफ ने इसे और आसान भाषा में समझाते हुए कहा कि आप बड़े राजा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके सैनिक कमज़ोर हैं तो आप युद्ध हार जाएंगे। कैफ ने आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के लिए मुंबई की ऑक्शन योजना को जिम्मेदार बताया है। कैफ का कहना है कि मुंबई ने ऑक्शन में गेंदबाजों को चुनने के मामले में काफ़ी रणनीति अपनाई है। आईपीएल की ज़्यादातर टीमों ने डेनियल सैम्स और बेसिल थप्पी को ऑक्शन में खरीदने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और टाइमल मिल्स को पहले ही आरसीबी ने टीम से रिलीज कर दिया था। ऐसे में अब मुंबई के एकमात्र स्टार गेंदबाज बुमराह पर काफ़ी दबाव है और वो लगातार संघर्ष करने के बाद भी टीम को अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। कैफ का कहना है कि अब मुंबई इंडियंस को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना होगा। मुंबई पहले भी कई बार इस तरह की सिचुएशन को झेल चुकी है, पर इस बार परिस्थितियाँ काफ़ी अलग हैं। ऐसे में समय रहते मुंबई इंडियंस को संभालना होगा। मुंबई इंडियंस इस समय आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर की टीम है। मुंबई के बाद सिर्फ एक टीम सनराइजर्स हैदराबाद है, जो कि 10वें नंबर पर है। अब मुंबई का अगला मैच आरसीबी से 9 अप्रैल को है। आपके मुताबिक मुंबई को अगले मैच में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कैफ के इस विचार पर कि रोहित भले ही एक बड़े कप्तान हैं, लेकिन बिना खिलाड़ियों के वो कुछ नहीं कर सकता, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देखते रहें हमारे चैनल ट्रेंडी चिट चैट को।